हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सभी को जय श्री राम। सो आज मुझे मौका मिला है माता जी के दरबार जाने का। एक्चुअली आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक में। नासिक से 60 किलोमीटर है यहाँ। एक्चुअली शक्ति पीठ को यहाँ पे महाराष्ट्र में 3.5 शक्ति पीठ बोलते हैं, जिसमें से जो 3.5 में जो आधा वाला है वो ये शक्ति पीठ है सप्तशृंगी माता का, जिसे दुर्गा माता भी कहा जाता है। वो वनीगढ़ में है। एक्चुअली ये सात पहाड़ है अलग अलग, उनके बीच में ये मंदिर बसा हुआ है। सो आज वहां जाने का मुझे मौका मिला है, काफी खुशी हो रही है। जो ये वो शक्तिपीठ है, जब माता सती दक्ष के घर पे गए थे, अपने पिताजी के घर पे गए थे, और वहां पे भोलेनाथ का दक्ष ने अपमान किया था। सो माता सती ने खुद को अपने बोलते ना हस्बैंड की इंसल्ट सह नहीं पाए, भोलेनाथ की इंसल्ट को सह नहीं पाए, तो उन्होंने खुद को हवन कुंड में आहुति दे दी। सो उसे देख के भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए थे, फिर वहां पे आए थे, दक्ष का वध किए थे। एंड माता सती की जो बॉडी थी उसको लेके मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में एक पागलों की तरह घूम रहे थे, जस्ट बिकॉज कि भोलेनाथ इस पूरे दुनिया के मालिक हैं, उनके बिना ये पूरी दुनिया मतलब खत्म हो सकती है, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सभी देवताओं के कहने पे, सुझाव पे अपने चक्र को चलाया, और उनके सुदर्शन चक्र ने माता सती के बॉडी को 51 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में कट किया बिना भोलेनाथ के जानकारी के, उनको मालूम ना पड़े इस हिसाब से। एंड वही जितने बॉडी पार्ट्स थे धरती पे, पृथ्वी पे गिरे भारत के अलग अलग कोने में, दुनिया के अलग अलग कोने में, और उन्हीं जो बॉडी पार्ट्स एक पीठ में कन्वर्ट हो गए, एंड उन्हीं की स्थापना की गई शक्ति पीठ के रूप में। ये सभी शक्ति पीठ की रक्षा हर एक भैरव करता है, जिसको भोलेनाथ ने खुद वहां पे शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए रखा है। सो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे उन 51 शक्तिपीठों में से एक का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। सो चलेंगे वहां पे और माता जी के दर्शन करेंगे, और आप सभी उनका दर्शन कीजिए और बोलिए जय माता दी, जय श्री राम। हाँ, स्पेशल चीज, वहां जो माता जी हैं उनके पूरे 18 हैंड्स, मतलब बोलते हैं ना 18 हाथों वाली माता जी वहां पे दिखाएंगे। हर एक हाथ में एक अलग वेपन है जो कि एक अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सो फाइनली अब मैं निकल पड़ा हूँ। रास्ते में दिल को लुभाने वाले इतने सारे ब्यूटीफुल नज़ारे थे कि मैं उसको देखते ही रह गया। फिर फाइनली हम लोग जो किला है जहाँ पे माता जी का मंदिर है वहाँ हम लोग पहुँचे, वहाँ एंट्रेंस फीस देके अब हम लोग चल रहे हैं आगे माता जी के मंदिर की तरफ। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो रहा माता जी का मंदिर जिसके बारे में बता रहा था। और यहाँ पे एक रोपवे भी है, और एक्चुअली 510 सीढ़ियाँ हैं। सो अगर किसको जिसको सीढ़ी से नहीं जाना है, सीढ़ी मतलब काउंट करने नहीं आता किसी को, नहीं हाँ मतलब 510, मतलब मैंने गूगल पे पढ़ा था तो 510 सीढ़ियाँ बोली थी, पर जिसको सीढ़ी से नहीं जाना उसके लिए यहाँ पे ये सामने एक रोपवे भी दिया हुआ है। इधर रोपवे है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर माता जी का मंदिर है। वो रहा सप्तशृंगी माता जी का मंदिर, जो कि मतलब बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे। ये पूरा ये पर्वत के बीचों बीच वहाँ बना हुआ है, ये रोपवे, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। सो अभी हम लोग भी पहुँच चुके हैं, गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, सब हो चुके हैं रेडी, और फिर अभी चलते हैं ऊपर माता जी के दर्शन करते हैं, और वहाँ के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सो बने रहे वीडियो में, और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। माता जी के लिए चुनरी, साड़ी और जितने भी यहाँ पे एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो यहाँ चढ़ाई जाती है वो भी मैंने भी मतलब परचेस कर ली। सो अभी जा रहा हूँ, ऊपर चलता हूँ, माता जी को अपनी तरफ से भेंट भी चढ़ाता हूँ, और बाकी भी चीज़ें थोड़ा थोड़ा घूमते हैं। माँ आ गया। सो अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, ये माता जी के यहाँ पे बाजार लगता है, जहाँ पे आपको माता जी को चढ़ाने के लिए हर चीज़ मिल जाएगी, चुनरी, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, हर चीज़ मिल जाएगी, प्रसाद वगैरह सब। तो जब दर्शन करके वापस नीचे आएंगे तो यहाँ से अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रसाद ले सकते हैं। माता जी के बने हुए लॉकेट्स हैं, और ढेर सारे खिलौने वगैरह भी हैं जो बच्चे खरीदते हैं यहाँ पे। सो बहुत ही प्यारी सी जगह है, बहुत प्यारा सा बाजार है। सो अभी हम लोग बाजार से गुजर गुजर के अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से मेन सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी, जय माता दी, जय माता, चढ़ के माता जी के दर्शन को जाने वाले।
सो जैसे ही मेरे फ्रेंड और मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी स्टार्ट की, सो मैंने रास्ते में एक आंटी को देखा जो हर एक सीढ़ी पे पान के पत्ते, सुपारी, कुमकुम लगाते हुए जा रहे थे, रखते हुए जा रहे थे। सो मैंने पूछा अपने फ्रेंड से कि ये आंटी क्या कर रहे। सो उसने बताया मुझे कि आंटी की कोई मन्नत रहेगी जो इन्होंने माता जी से मांगी होगी, वो पूरी हो गई। सो आज वो मन्नत पूरी होने की वजह से आंटी हर एक सीढ़ी पे पान के पत्ते, सुपारी, कुमकुम और चावल ऐसे रखते हुए जा रहे हैं। ऐसे ही रखते रखते वो हर एक सीढ़ी पे रखते हुए जाएंगे एंड फिर उसके बाद माता जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि माता जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी थी, और उनका आशीर्वाद लेंगे। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद आंटी को हर एक सीढ़ी पे पान के पत्ते, सुपारी, चावल रखते हुए मैं देखते हुए ऊपर जा ही रहा था, तो मुझे ऊपर राम जी का एक छोटा सा मंदिर दिखा। सो मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पे राम जी के दर्शन कर ही रहे थे, तब तक हमारे बाजू से एक अंकल गुजरे जो कि नीचे से ही अपने घुटनों के बल चल के आ रहे थे। उनकी भी कोई मन्नत रहेगी जो पूरी हो गई होगी, और उन्होंने माता जी से कहा होगा कि मैं, मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं घुटने के बल चल के आऊँगा। सो उनका माता जी के प्रति आस्था, प्रेम, माता जी के प्रति प्यार और जितने भी उनके विश्वास थे, उसको देख के मैं लिटरली मतलब एकदम निशब्द हो गया। इससे एक चीज़ तो मालूम पड़ती है, अगर हम हमेशा कोशिश करते रहें, भगवान जी पे हमेशा भरोसा रखें, तो भगवान जी हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करते हैं। और बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन फिर भी वो हमारी इच्छा होती है, हमारी आस्था होती है, जो हमारी मन्नतें होती हैं वो हम अपने आके पूरा करते हैं, एंड उस तरीके से हम अपने भगवान से, ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं। मैंने जब अंकल को इस तरीके से चलते हुए देखा घुटनों के बल, वो भी इन सीढ़ियों पे, तो सोचा कि मेरे घुटने में कितना पेन हो रहा होगा, बट फिर भी वो माता जी के प्रति जो उनकी आस्था है, प्रेम है, विश्वास है, वो उसकी ताकत पे वो हर एक सीढ़ी अपने घुटनों के बल चलते हुए जा रहे थे माता जी के दर्शन करने के लिए। सो इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि भक्ति में कितनी ताकत है, मतलब जिसके पास भक्ति की पावर है, भक्ति की शक्ति है, वो मतलब कुछ भी कर सकता है, जो कि आप मतलब ये अंकल को एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। लाइन में थोड़ी देर खड़े रहने के बाद फाइनली माता जी के दर्शन हुए। माता जी के जैसे ही दर्शन हुए, सच कहूँ तो एकदम दिल को सुकून मिल गया, बस मैं माता जी को देखता ही रह गया, उनकी मूर्ति को देखता रह गया। तो मन कर रहा था बस वहाँ से मैं हट जाऊँ, बस माता जी को देखता रहूँ, उनके चरणों में पड़ा रहूँ और बस यहीं पर बैठा रहूँ। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। फिर फाइनली हम लोग ने माता जी के दर्शन किए और वहाँ से निकल पड़े महाप्रसाद के लिए। महाप्रसाद का कूपन ले लिया हम लोगों ने और अभी हम लोग जा रहे हैं महाप्रसाद खाने के लिए। महाप्रसाद खाने के लिए आप लोगों को जो मंदिर से दर्शन कर लेंगे थोड़ा सा आगे आने के बाद, ये जहाँ पे महाप्रसाद मिलता है उसकी पूरी बिल्डिंग है, वहाँ पे कूपन लेके आप जा सकते हैं और जितना मर्जी उतना आप मतलब बुफे सिस्टम टाइप है, आप वहाँ पर जितना मर्जी उतना महाप्रसाद खा सकते हैं। आम्ही प्रसाद घेतला, हे लाडू घ्यायला सगळं छान आहे।